देना होगा, देना होगा, देना होगा। यहाँ हमारे खाद्य मंत्री जी का इलाका है और यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं, इस प्रकार की जो लचर व्यवस्था देखने को मिली, और अगर उसकी मृत्यु होनी थी, अगर यहाँ पर बेहतर इलाज की सुविधा नहीं थी तो इनको अंबिकापुर रिफ़र करना था या अंबिकापुर में इलाज कराना था। लेकिन सारा प्रशासन इस शासन काल में सुस्त और नाकाम और निकम्मा साबित हो रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उस जो मृत परिजन जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। जी, आज जो जिस बच्चे की मौत हुई है उसको उल्टी दस्त की जो समस्या थी उसके कारण से फूट पड़ने की, उसमें जो एक ही परिवार के 4-5 लोग उससे जो आहत थे उसको स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आज सवेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में भर्ती कराया गया था, जिसमें दो बच्चे जो छोटे थे उनकी स्थिति उस समय जो थी तब से ख़राब चल रही थी और अथक प्रयास में लगभग इलाज के दौरान पे लगभग 1-1.5 बजे जैसे जो है एक बच्चे की जो है मृत्यु हुई है। तो और कितने लोगों को रेफर किया गया है? उसमें से उसका जो बड़ा भाई था जो जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष थी वो उसको यानी कि उपचार हेतु के अंबिकापुर लिए रेफर किया गया है। कितने लोगों को रेफर किया गया? फिलहाल अभी जो है हम लोग के द्वारा जो है एक मरीज को रेफर किया गया है जिसमें जो मृतक बालक का बड़ा भाई था वो जी। अभी तक हम लोग के द्वारा जो है आज दिनांक को जो है 2 लोगों को रेफर किया गया है जिसमें एक की उम्र 12 वर्ष है जो कि मृतक का भाई है, बड़ा भाई है जो आज ही भर्ती हुआ था, और गौतम करके है लड़का है उसको भी आज रेफर किया है। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु जो है एक अर्जुन करके एक बालक था उसकी हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।